अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में शनिवार को दिन दहाड़े इंडियन इलाहाबाद बैंक में हेलमेट व मास्क लगाकर घुसे दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 4 लाख की लूट कर ली। इस वारदात के बाद आरोपी ने बैंक के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुट गई। लूट की घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, सीओ सिटी मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं।